टाइम देना गलत है।
श्री धाम वृंदावन में श्री मनु पीठ वृंदावाटिका के इस नवनिर्मित सत्संग भवन में मनुपीठ का सत्संग भवन सद्गुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन इस नाम से इसका नामकरण पूज्यपाद श्री मामा जी की आज्ञा से किया गया। मामा जी ने इसका नामकरण किया। महाराज जी की भावना थी कि पंडित जी के नाम से सत्संग भवन होना चाहिए, तो वह भाव उसकी पूर्ति हुई और अब वो सद्गुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन और ये वृंदावाटिका का सद्गुरुदेव श्री गणेश दास भक्तमाली सत्संग भवन ऐसा मन में भाव आया है और बृहद उत्सव के लिए तो नई गौशाला में सद्गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा भक्तमाली जी लीला कथा मंडप भी है ना, लीला कथा मंडपम नाम से श्री रास बिहारी जी के कर कमल से उसका उद्घाटन हुआ है संतों के द्वारा। तो अब तीन सत्संग भवन हो गए, एक मलुकपीठ में, एक यहाँ और एक गौशाला, और दो जगह तो कथा भी चल रही है। उधर मलुकपीठ के सत्संग भवन में श्री धनंजय दास जी श्रीमद् भागवत की कथा कर रहे हैं सदगुरु आविर्भाव महोत्सव में, और यहाँ हम लोग महाराज जी का उत्सव त्रिदिवसीय मना रहे हैं। वैसे तो सप्ताह कथा के सहित तो और लंबा उत्सव है, पर भक्तमाल का तीन दिन में मूल पाठ और सायंकालीन बैठक में थोड़ी देर सत्संग, इस प्रकार से मनाने का विचार है। आज सब लोगों को गुलगुला प्रसाद मिला ही होगा, आज जन्म में गुलगुला बनते हैं तो सबने खीर गुलगुला और सब दिव्य प्रसाद सबने पाया। हम लोगों के लिए आज की तिथि बहुत विशेष महत्व की है, क्योंकि सद्गुरुदेव भगवान के आविर्भाव की तिथि है। पौष शुक्ला षष्ठी को संवत 1975 में, संवत 1975 में पौष शुक्ला षष्ठी को तीर्थ व्रत श्री नैमिषारण्य क्षेत्र में 84 कोस नैमिषारण्य की पवित्र भूमि के अंतर्गत महर्षि पिप्पलाद ऋषि की तपस्थली जन्मस्थली दधीचि कुंड के निकट, जहां पिप्पलाद ऋषि के नाम से आज भी क्षेत्रीय जनता पिपरी बाबा कहती है, और वह उत्सव वहां मेला भी भरता है। तो पौराणिक प्रमाण के अनुसार गोमती के तट पर पिप्पलाद ऋषि की तपस्थली तुलसी गांव